broadband. जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, मैं ठीक ठाक हूँ। कैसे हैं राशिद, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत। यार वो हमें मुगालता हो गया, कल हम कहीं पढ़ रहे थे कि राजकोट में साइक्लोन आना है, वो साइक्लोन वेदर वाला नहीं, वो साइक्लोन आया जरूर है लेकिन वो रोहित शर्मा के बल्ले से आया है। तो भाई माफ कर दो यार, रोक लो। आपने कहा था कल के सेंचुरी करनी चाहिए कि वो 85 रन पे पीछे बॉल थी, वो टॉप एज हो गई, बाउंड्री पे आउट हो गए, वरना तो काम उतार दिया था। 100 करते आराम से, 100 करते, 6 चौके 6 छक्के, 3 मुसलसल छक्के। नहीं 6 चौके तो नहीं होंगे, ज्यादा होंगे, 10 चौके होंगे शायद ना, 10-11 चौके थे। मैं देख, नहीं भाई मेरा ख्याल है 6 चौके 6 छक्के हैं। नहीं फिर तो मजा नहीं आया ना, ज्यादा चौके होने चाहिए। 8 होंगे, देख लें जरा जल्दी से। एनीवेज आउटस्टैंडिंग इनिंग्स, बेहतरीन खेले रोहित शर्मा, क्या पेसिंग की, 43 गेंदों पे आपने 85 कर दिया जी। और शेखर धवन ने अच्छा सपोर्ट किया, एंकर किया, 10.5 ओवर में ये जितने चौके मारते हैं उतने छक्के भी मारते हैं। मैं वही बता रहा था ना, 6 चौके 6 छक्के हैं लेकिन यार, और 10.5 ओवर में 118 भाई, 118.5 ओवर में था, मैच तो बंद हो गया था, 3-10 था। दर छक्के जो मारे हैं, मुसद्दिक को पीछे पड़ गए थे, वो तो 3 छक्के मारे, चौथा भी मिस हो गया, इनसाइड हो गई। मुसद्दिक ने छक्के खाए और खलील अहमद ने चौके। खलील अहमद ने शुरू किया, आपके फेवरेट खलील अहमद, लास्ट 4 बॉल पे 4 चौके लगे थे, फिर आज दूसरा ओवर जब करने आया तो पहली 3 बॉलों में 3 चौके, ये रिकॉर्ड हो गया होगा। 7 चौके हो गए, कमाल हो गया, बेचारे बाहर हो जाएंगे अब। उन्होंने अकेले 40 रन दे दिए, लेकिन नहीं नहीं यार मजा नहीं आया, मैच नहीं था। क्यों? There was no match. वो लीग गए, मतलब उधर पहले तो बांग्लादेश थोड़ा फंसा रहा, अगेन अमीनुल ने अच्छी बैटिंग की है एंड महमूदुल्ला ने कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया, लेकिन वो चाल ही नहीं खेला जा रहा था उनसे। और मैं तो कहता हूँ वॉशिंगटन सुंदर ने भी जो 25 रन दिए 4 ओवरों में, कोई आउट नहीं था, पहले विकेट 78 पे एक आउट हुआ ना शायद, या दूसरा आउट हुआ है, उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर और चहल ने एक दफा फिर जबरदस्त बॉलिंग की और 13वें ओवर में 2 विकेट ली है। सुमय सरकार स्टंप आउट हुए और पहली बॉल पे और आखिरी बॉल पे मुशफिकुरैन स्वीप मार के स्क्वायर लेग बाउंड्री पे, उसके बाद से संभल ही नहीं सके। तो मैं ये समझता हूँ कि कप्तानी भी अच्छी की, बहुत टाइमली उन्होंने यूज किया, पांड्या को 2 ओवर ही कराया, 17 रन दिए, 12 रन दिए दुबे ने, इसका मतलब जो निकालने वाले ओवर थे उसमें 29 रन गए 4 ओवर में, यहाँ पे 40-48-50 रन बनने चाहिए थे अगर इनके बैट्समैन आउट नहीं होते। तो पिच तो बहुत अच्छी थी, अगर इंडिया को पहले बैटिंग मिलती मेरे ख्याल से ये 250 रन आराम से, 225 रन तो बन सकते थे। ओ भाई 250 ना करवाओ 20 ओवरों में, क्या हो गया भाई, क्यों नहीं करेंगे, ना करो। नहीं जो पिच थी ना आज मिस कर गए ये लोग बांग्लादेश वाले, अच्छा 180 प्लस रन होने चाहिए थे, वो 180 होते तो 26 गेंदों की जगह 10 गेंदों पहले कर लेते, जिसमें वो आज रोहित शर्मा खेल रहे थे। अभी तो 26 गेंद रहते थे, 15.4 ओवर में ओवरऑल हो गया। रोहित शर्मा मेरे सेकंड बेस्ट फेवरेट, मोस्ट फेवरेट बैट्समैन हो गए ओपनर वर्ल्ड क्रिकेट में, सेकंड मोस्ट फेवरेट हो गए मेरे। पहला कौन है? इमामुल हक। ना करो डॉग यार, तुम मजाक कर रहे हो। नहीं मजाक क्यों कर रहे हैं यार, उसी लेवल के स्टाइल तो वही है उनका, बैटिंग का स्टाइल हो गया ना हो लेकिन ऑफ द फील्ड तो स्टाइल वही है, कल खेल जाएंगे वो पाकिस्तान से, फखर कीजिएगा। लेकिन डॉग इसमें अगर हम बात करें, वो आपने जो एक शोशा छोड़ दिया था कल आपने एक शोशा छोड़ा था कि T20 का प्लेयर नहीं है फखर, आज पूरे सोशल मीडिया पे घूम रहा है आपके नाम से। नहीं उसमें दूसरी चीज नहीं डालते ना, ये हमारे प्रॉब्लम है मीडिया की, कि उसमें आपसे जो बात की थी उसमें यही कहा था कि डॉग के फखर अब T20 में वैसा नहीं खेलते जैसा खेलना चाहिए था और T20 के प्लेयर लग भी नहीं रहे,
तो T20 की परफॉर्मेंस पे वनडे से ना ड्रॉप करते हैं, वनडे के गुड प्लेयर है, टाइम चाहिए होता है कि ये आप डॉक्टर है ये, इसके हम वापस आएंगे तो बात करेंगे कि एक हर प्लेयर की अपनी साइकी होती है, किस कुछ कुछ प्लेयर को टाइम चाहिए होता है विकेट पिच पे खड़े होने के लिए। बहुत सारे ओपनर्स की अगर सिर्फ बात हम करेंगे, बहुत सारे ओपनर हैं जिनको टाइम चाहिए होता था और उसके बाद सेट होके वो रन, स्पेशली टेस्ट और वनडे में। T20 में टाइम नहीं है, देखें इस टाइप के प्लेयर बहुत कम चलते हैं। इवन हमने शेखर धवन की भी बात की थी, ये नहीं हम फखर जमान की बात अच्छा कर रहे हैं, हमने शेखर धवन की भी बात की थी। खैर एनी वे डॉग, एक चीज और पूछनी है। आज ऋषभ पंत ने एक स्टम्प किया आगे से बॉल पकड़ के, बहुत जल्दी में थे, स्टम्प से आगे से अगर बॉल आप क्रैक करेंगे तो वो आउट नहीं है, और डिलीवरी से पहले अगर आपके हाथ भी आगे हैं लाइन से तो वो नो बॉल भी हो जाएगी और आउट भी नहीं होंगे। और कीपिंग का भी मैार आज बहुत अच्छा नहीं था, सबसे लो स्टैंडर्ड विकेट कीपिंग किए ऋषभ पंत ने, तो क्या आप इनके फील कर रहे होंगे प्रेशर इनके इर्द गिर्द जो विकेट कीपर है स्पेशली MS धोनी है, तो विकेट कीपिंग अगर ये अच्छी नहीं करेंगे, क्योंकि विकेट कीपर बहुत हाई क्लास के तो नहीं है, इनको बहुत मेहनत की जरूरत है, तो क्या समझते हैं दिमागी तौर पर प्रॉब्लम होगा? हाँ बोलो। राशिद, आपने बड़ा आला सवाल पूछा है। एक्चुअली अगर आप ऋषभ पंत को देखें तो एक तो फिनोमिनल राइज टीम की, फिर ये टेस्ट मैच टीम में आए, फिर इन्होंने परफॉर्मेंस कर दी, फिर बहुत सारे नकाद इंक्लूडिंग यू एंड आई थॉट कि ये फ्यूचर इंडियन कैप्टन है, जिस तरह ये खेल रहे थे इंग्लिस्तान में भी खेले, और फिर इनको शायद वो जो कहते हैं ना, मैं अक्सर जिक्र करते हैं कि फिनोमिनल मॉड्यूल, उसका इनको कोई प्रेशर आया ये सस्टेन करने में। इन्होंने एक ही तरह के शॉट्स मार के T20 और वाइट बॉल क्रिकेट में ये अपने रोल पे पूरा उतर नहीं सके, और फिर ये हो गए ड्रॉप। अब जब ये ड्रॉप हुए, इनको पता है कि विकेट कीपर, अभी तो आप धोनी की बात कर रहे हैं, धोनी के साथ साथ संजू सैमसन पीछे खड़ा है, और इनको ये भी पता है कि सहा टेस्ट मैचेस में ऑलरेडी कर रहे हैं, तो आप जिटरी हो जाते हैं। जब आप जिटरी होते हैं तो आपके वही जो आप कहते हैं ना केमिकल लोचा, जो संजय दत्त अक्सर कहते थे मुन्ना भाई MBBS में, कि केमिकल लोचा, बिल्कुल उस केमिकल लोचा जो हो जाता है ना, उसमें सेरोटोनिन, वो फिर आप स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं। जब आप स्टिफ होते हैं, ओवर एंग्शियस, ओवर एंग्जायटी में, हाइपर एक्साइटेबल स्टेट में, अब जैसे वो आउट नहीं हो सकता, आपने आगे से गेंद पकड़ के स्टंप कर दिया या आपने रिलीज से पहले जो दिया, सो आई पर्सनली फील के ये प्रेशर में है, और एक तो इनका एक्चुअल नंबर आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, और जब तक इनका प्रेशर रिलीज उस वक्त तक नहीं होगा जब तक ये एक बड़ी इनिंग या मैच विनिंग इनिंग नहीं खेलेंगे इंडिया के लिए, मुझे लग रहा है ये फ्रिंजेस में है, तो ये जल्दी रिप्लेस हो जाएंगे। डॉग, इसमें ये भी हो सकता है कि ज्यादा ये कोशिश कर रहे हैं कि बैटिंग में ज्यादा फोकस हो गए, कीपिंग बिल्कुल छोड़ दी, ऐसा मुझे लग रहा है कि अगर कीपिंग आप छोड़ेंगे तो प्रॉब्लम तो आपके साथ रहेगी। मुझे ये मैं मशवरा मैं यही दूंगा कि सिर्फ विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस करें जितनी भी कर सकते हैं, जब ये कीपिंग अच्छी करेंगे ना ऑटोमेटिकली इनके ऊपर कॉन्फिडेंस, इनको इनको कॉन्फिडेंस आएगा। ये जितने भी इनके साथ जो कॉम्पिटिटर हैं उनको अलग अपनी विकेट कीपिंग से कर सकते हैं, बैटिंग से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ईशान किशन भी इनके पीछे चल रहे हैं, संजू भी चल रहे हैं पीछे, MS धोनी भी हैं, तो जो कीपिंग अच्छी करेगा, और MS धोनी तो पता है लेजेंड है विकेट कीपिंग में, स्टंपिंग में, स्पिनर्स में स्पेशली, फास्ट बॉलर भी, तो मेरा तो मशवरा यही है कि विकेट कीपिंग की जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं करें, बैटिंग तो इनकी नेचुरल है, जब जस्ट ये बगैर प्रैक्टिस के भी ऐसे ही करेंगे। मुझे आज भी याद है कि जब पहली दफा ऑस्ट्रेलिया में खेले, तो आपने, बैट्समैन तो ये लाजवाब है, फ्यूचर कप्तान हो जाएगा इंडिया का, लेकिन इनको लेफ्ट साइड पे भी की, दिस मींस कि इनके, और आपकी बात डबल ही प्रूव हो जाती है कि आप बैटिंग के क्राइसिस में फंस के इतना फोकस कर, आप बिल्कुल विकेट कीपिंग को पीछे छोड़ गए, तो शायद ये भी रीजन है कि आप आज दिखा रहे हैं। और Caught behind. Caught behind.